वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में मैं सोनिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत कम आप लोग मुझसे मिल पाते हैं, क्या करूँ, आपको मेरी आवाज़ ही पसंद नहीं है तो सोचा कि शक्ल भी पसंद नहीं होगी, तो इसीलिए कम ही वीडियोस डालती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो अभी चल रहा है हमारे भक्ति सागर सोनिका पर श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, अर्थ सहित एक छोटा सा प्रयास किया था मैंने ताकि आपको अच्छा लगेगा। कुछ हद तक आप लोगों ने मुझे प्यार भी दिया, ऐसी बात नहीं है। और अभी उसमें अरण्यकांड तृतीय सोपान चल रहा है। लाइफ में कुछ उलझनों में उलझी हुई हूँ, इसीलिए डेली पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। और पिछले 15 दिन पीछे चल रहा है मेरी कथा, डेली डे बाई डे चलती थी, तो अभी मैं उसको देखूँगी कि चेंज करके 1, 2, 3 ऐसे सीरियल वाइज लगाऊँगी ताकि डेट की वजह से लोगों को उलझन ना हो। तृतीय सोपान चल रहा है जिसमें अरण्यकांड है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और राम जी की कृपा रही तो जल्दी ही रामायण संपूर्ण करने की कोशिश करूँगी। और अब मैं ये नहीं देखूँगी कि 20 मिनट का एपिसोड हो या 15 का, मैं अपने हिसाब से घंटे आधे घंटे पौने घंटे के हिसाब से, और उसके बाद जल्दी ही आपके लिए कोशिश करूँगी। मेरे ठाकुर जी की कृपा हो कि श्रीमद् भागवत पुराण, बहुत लोगों की इच्छा है कि मैं भागवत पुराण भी सुनाऊँ, जो कि मेरे से पर्सनली आप कहेंगे कि कमेंट तो ऐसे आते नहीं हैं, कमेंट व्हाट्सएप पे आते हैं या फ़ोन पे आते हैं, क्योंकि जो मेरे कुछ अपने ज़्यादा ही खास हैं तो वो चाहते हैं कि मैं भागवत भी करूं। कथा कीर्तन करना मेरा शौक है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ग्रस्त हूँ, आपकी तरह हूँ, मिडिल फैमिली से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई साध्वी हूँ या साधु बाबा बहुत ज्ञानी बाबा हूँ, ऐसा नहीं है। बचपन से शौक था, ब्राह्मण परिवार से हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ कथा वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हौसला ज़रूर बढ़ाया कीजिए कमेंट करके, और बने रहिए हमारी कथाओं के ऊपर। और आज चैनल पर ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था, मैं आपको बता दूँ, हमारे कुछ अपनों को वहम हो गया है जाने, और शायद बाहर वालों का भी हो गया होगा कि 5K+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ज़रूर भक्ति सागर सोनिका को पेमेंट आनी शुरू हो चुकी होगी, चैनल मोनेटाइज भी हो गया होगा क्योंकि 2 साल होने को है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने या राम जाने, क्या किसका नाम लूँ, यूट्यूब वाले जाने कि उनको मेरे चैनल से क्या प्रॉब्लम है। मोस्टली मेरे सारे चैनल, सारे कॉन्टेंट जितने भी होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, कोशिश करती हूँ कि 99% ओरिजिनल हों, किसी धार्मिक ग्रंथ से उठाए जाते हैं या गूगल पे भी सर्च करने के बाद टेक्स्ट जो होता है वो मेरा खुद का होता है मोस्टली, उसके बाद भी रीयूज्ड कंटेंट बार 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 आ रहा है। अक्टूबर में मेरे जो यूट्यूब ने नया लॉन्च किया था कि 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटों के ऊपर हाफ मोनेटाइजेशन हो जाता है, तो उस हिसाब से मेरा अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका था, और अप्लाई की लिए भी ऑप्शन आ गई थी, हमने 3-4 बार अप्लाई भी किया, लेकिन उसके बाद फिर से वो कैंसिल हो रहा है, रीयूज्ड कंटेंट। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन रीअप्लाई कर रही हैं, लेकिन अपील की भी उस पर ऑप्शन आ रही है। अभी मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी तो टाइम निकल गया जब तक नॉलेज हुई कि ये अपील कैसे करते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी जुलाई का टाइम दिया है तो देखेंगे यूट्यूब वाले क्या करते हैं। भैया अगर देख रहे हैं तो सीधे साधे से इंसान है, हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, या तो आप हमें सीधा सीधा गाइडेंस करें कि हमें क्या करना चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई रीयूज्ड कंटेंट है तो डिलीट मार दीजिए, क्या दिक्कत है, हमारे पास बहुत सारे कंटेंट हैं, हम सनातनी हैं, हमारे पास भरमार है पूरे पुराणों की, वेदों की, हम वहाँ से कंटेंट ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीधा अपने मुँह से कथा सुनानी शुरू कर दी है और सुना देंगे कोई और, अगर मेरे राम ने चाहा तो एक ना एक चैनल जरूर मोनेटाइज होगा, और अगर राम जी ने चाहा तो ये रामचरितमानस चलते चलते ही होगा, मुझे विश्वास है, नहीं तो श्रीमद् भागवत तो चलनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पेमेंट नहीं आई है यूट्यूब की ओर से, जैसा मेरा चैनल था वैसा ही है। हाँ सब्सक्राइबर है वो भी थोड़े लो चल रहे हैं, लेकिन ठीक है। खैर आपको मेरी रामचरितमानस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या आप रामचरितमानस सुनते समय मेरा फेस भी देखना चाहते हैं या मेरी आवाज़ से सेटिस्फाई है वो बताइएगा, मैं वीडियो में आऊँ या जैसे चल रहा है वैसे चलाऊँ, ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो एक छोटी सी वीडियो लेकर आई थी आपके लिए, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो तो
लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। और यदि मुझे डेली बेस पे मिलना चाहते हैं, मेरे ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो मैंने बोला तो है कि मैं कोई साध्वी तो हूँ नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से नॉर्मल हूँ, तो मेरा डेली का लाइफस्टाइल देखने के लिए मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा मेरा एक चैनल और भी है जो कि मेरे हस्बैंड के नाम पर है, तो आप उस पर जाकर मिल सकते हैं मुझे। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सियाराम। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, एक बार फिर से बता दूँ भैया, मेरे को कोई भी इनकम नहीं हुई है यूट्यूब से, मेहनत तो बहुत की थी, चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगी, और नहीं होगी तो ना हो, क्योंकि मेरा शौक था जिस टाइम पर मैंने ये चैनल बनाया था उस टाइम पे इनकम के सोर्सेज के हिसाब से नहीं बनाया था। मुझे बचपन से शौक था कि मुझे कोई सुने, कोई समझे, भक्ति के साथ मैं लोगों को जोड़ सकूं और अपने ओपिनियन लोगों के सामने रख सकूं, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिकल हूं, धार्मिक ज़्यादा वहम भ्रम में ना तो पड़ती हूँ ना किसी को डालती हूँ, उसी बेसिस पर ही ये चैनल खोला गया था। और आगे आगे भगवान ने चाहा तो आपको इसी पर अच्छे अच्छे कंटेंट भी मिलेंगे कि हमें कब क्या किस तीज त्यौहार पर करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग पूजा पाठ तो करते हैं और बाद में सुना भी बड़ी जल्दी देते हैं। खैर, इस टॉपिक पर बात फिर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।